हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर, और मैं अपने चैनल पर आपको सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो बंदूक किचन हो, 1 BHK हो, 2 BHK, 3 BHK, लोन पे हो, रेंट पे हो, शॉप हो, बंगलो हो, वो वैसी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जो आप उसको खरीद में भी अफोर्ड कर सकें और उसको आप रेंट में भी अफोर्ड कर सकें। तो आज का ये जो मैं आपको फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ, इसकी लोकेशन में दिखाते दिखाते आपको बताऊंगा। तो ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 रूम किचन, ठीक है। इसका एरिया है 240 कारपेट स्क्वायर, ठीक है। तो मैं भी आपको पहले फ्लैट दिखाता हूँ, इन बिटवीन सारी जानकारी भी देता रहूँगा और फ्लैट भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले फ्लैट दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये मैं आपको ना बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाहर से ऐसा कॉरिडोर है। ये एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, उस साइड 4 है और इस साइड 4 हैं। ये देखिए, ये स्टेयर्स हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये लिफ्ट है इधर, ये देखिए। तो ये उस साइड 4 हैं लिफ्ट और 4 फ्लैट इस साइड हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला दिखाने जा रहा हूँ। बाहर से ये कुछ इस तरीके से है, ये एंट्रेंस है। ये देखिए, तो ये 240 स्क्वायर फीट है। ये फ्लोरिंग है, कारपेट डाला हुआ है इन्होंने, कुछ लोग मार्बल वगैरह भी डाल देते हैं। ये वॉल्स हैं, दीवार वगैरह है, ये देखिए। ये फोर सीलिंग है, ये देखिए सीलिंग वगैरह। तो यहाँ पे 2 फैन लगाने पड़ते हैं। ये हॉल है बेसिकली ना, यहाँ पे एक फैमिली रह सकती है। बीच में आप ये जो देख रहे हैं ना, इधर यहाँ पे एक पार्टीशन डाल के आप इसको 2 रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। 240 स्क्वायर फीट है और सामने आप देखिए बड़ी बिल्डिंग है, विंडो है जो वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये जैसे आप, ये बाहर से भी दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर से कुछ इस तरीके से। ये देखिए, नीचे आपकी 2 व्हीलर भी आपका पार्क हो सकता है, स्कूटर बाइक जो भी है, और 4 व्हीलर है तो वो मेन उधर आगे जाकर रास्ता है, मेन बड़ा, वहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। कुछ इस तरीके से है बाहर। और ये विंडो आप इसको बंद कर देते हैं वेंटिलेशन के लिए, आप खोल सकते हैं। और अगर विंडो ऐसे खुले रखेंगे तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा बड़ा है, ये देखिए बड़ा हॉल है। बीच में एक छोटा पार्टीशन डाल देंगे तो 2 फैमिली रह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, माता पिता हैं, तो आगे के साइड में मॉम डैड रह सकते हैं, पीछे हस्बैंड वाइफ बच्चे रह सकते हैं। इस टाइप का अच्छा खासा बड़ा है, 240 स्क्वायर फीट है। इसको कांदीवली वेस्ट में बोलते हैं, इसको एकता नगर के पास है। ये हॉल था, और सामने ये जो देख रहे हैं आप, ये किचन है। यहाँ पे सारे फ्लैट ऐसे नहीं हैं, किसी ने बहुत कमाल के बनाया, किसी ने एज इट इज़ बना करके छोड़ दिए। ये किचन है, ये देखिए छोटा सा। तो ये यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं अपना, ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखा है। यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं आप, पानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ प्रिकॉशन के लिए, एक हर बिल्डिंग में, हर फ्लैट में एक टंकी लगाई जाती है पानी की, ताकि पानी का प्रॉब्लम ना हो। पानी यहाँ पे 2 बार आता है, सुबह और शाम को पीने का, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आधा घंटा पानी आता है, इनफ हो जाता है, सब लोग भर लेते हैं, ठीक है। ये अभी गंदा है, खाली है, जब यहाँ पे रहने के लिए आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाते हैं, राइट। तो ये आपका किचन हो गया, और ये इधर देखिए, ये हॉल है, ये हॉल है, ये मेन डोर है जो मैंने अभी ये दिखाया, ये मेन डोर है। और ये सामने आप देखिए, ये वेस्टर्न टॉयलेट बना के रखा हुआ है ये। और ये आपका बाथरूम, ये बाथरूम है, ये नहाने धोने का, कपड़े धोने का पूरा, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, आराम से यहाँ पे कपड़े भी धुल सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे कॉर्नर पे ना, ये आप देखिए मेरा हाथ देख रहे हैं, ये यहाँ पे दरवाजे के पीछे वॉशिंग मशीन भी रख लेते हैं, या फिर इधर रखते हैं। ये आप देख रहे हैं बोर्ड, ये बोर्ड के नीचे यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख लेते हैं। और ये आपका वेस्टर्न टॉयलेट हो गया, किसमें इंडियन टॉयलेट भी होता है और किसी में ये वेस्टर्न टॉयलेट भी होता है। तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, तो रेंट में ये बहुत सस्ता है प्राइवेट बिल्डिंग से, और ख़रीदेंगे तो ख़रीदने में भी बहुत सस्ता है। कितना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा आपको, तो आप कॉल कीजिए। फ्लोर वाइज होता है, दिशा वाइज होता है, और फ्लैट कैसे बना हुआ है, एज इट इज़ अगर बना के छोड़ के रखा है तो वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, बनाया तो महंगा पड़ता है, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये सामने ये विंडो हो गया। एसी आप लगाना चाहें तो नीचे उधर एसी लगा सकते हैं, या स्प्लिट एसी लगा सकते हैं।
यहाँ पे ऑफिस भी बना सकते हैं, घर में फैमिली वो भी रह सकती है। अच्छे से मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। 240 स्क्वायर फीट का है, राइट। ये देखिए, ये मेन डोर है, फिर से दिखा देता हूँ, ये सामने वाले ने जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये विंडो है, सॉरी ये स्टेयर्स हैं और ये लिफ्ट है, राइट। ये देखिए, इधर से भी मैं एक नज़र दिखाता हूँ आपको, ये कॉरिडोर है जैसे, ये देखिए, ये किसी ने बनाया बहुत अच्छे से, बाहर से देखिए, ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, ये बनाया हुआ है। तो ऐसे ही है, ये फ्लैट है, तो मैं भी और आपको जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लैट मैंने आपको दिखाया, दोबारा से आपको बता देता हूँ, इसकी लोकेशन है कांदिवली वेस्ट भी बोलते हैं इसको, मलाड वेस्ट भी बोलते हैं, एकता नगर बोलते हैं, अथर्वा कॉलेज के पास पड़ता है। 240 स्क्वायर फीट है इसका। काफी लोग बोलेंगे भैया रेंट नहीं बताते और आप कितने में बेचकर आदमी, देखिए रेंट जो है और खरीदी में दोनों में फर्क हो जाता है। जैसे कि अगर किसी ने घर बनाया हुआ है तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था घर, उसके बंदे ने बनाया हुआ था। और अगर एज इट इज जैसा ये घर है तो आपको सस्ता पड़ जाता है किराए में भी और खरीद में भी। पानी का कोई टेंशन नहीं है, नीचे बिल्डिंग की जगह है, टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, फोर व्हीलर के लिए बाहर जाते हैं थोड़ा सा, वहां पर अपने कार आप पार्क कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपको कुछ पूछना होगा तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं आपको, तो आप वहां कॉल कीजिए और वहां पर फोन कीजिए, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे इस वीडियो में मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी सस्ती सस्ती प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, बहुत एक्सपेंसिव बहुत महंगी नहीं दिखाता हूँ, जो अफोर्डेबल होती है मिडिल क्लास लोअर क्लास के लिए वो प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे नए नए वीडियोस आएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ दोबारा एक अच्छे वीडियो और सस्ते वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।